हे एवरीवन गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो पे हम जानने वाले एक फोर ब्लेड वाटरप्रूफ प्रोपेलर के बारे में, जो कि स्पीड बोट की होगी। ठीक है, तो इस वाटरप्रूफ प्रोपेलर को कैसे बनाएगा, इस वीडियो पे मैं आप सभी को अच्छे से समझाना चाहता हूँ, जो कि इस वीडियो पे मैं दिख रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इस वाटरप्रूफ प्रोपेलर बनाने के लिए पहले आपको एक पेन चाहिए और एक स्क्रू, ठीक है, और उसके साथ एक कैन की टिन चाहिए, जो कि हमें ज़रूरत होगा ब्लेड को बनाने के लिए। ओके, तो गाइस यहाँ पर एमसील दिखाई दे रहा है मेरे हाथ में, जो कि पहला बॉडी पार्ट के लिए, प्रोपेलर की बॉडी पार्ट के काम करेगा। ठीक है, और क्या कि इन दोनों को हमें मिक्स करना पड़ेगा एक साथ, तो गाइस आधा आधा करके आप उससे काट लेना पड़ेगा। ठीक है, तो गाइस आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि मैं एक आधा काट ले चुकी ऑलरेडी, ऐसे ब्लैक जो होता है। ठीक है, तो अब हमें वाइट वाला से काटना पड़ेगा। ओके, तो चलो वाइट को हम काट लेते हैं। ओके, तो गाइस जैसा इन दोनों को हमें काट लेना कंप्लीट हो जाएगा, तो इन दोनों को क्या कि हमें दोनों को मिक्स कर लेना पड़ेगा, जो कि ब्लैक और वाइट इन दोनों को मिक्स करने से ये होगा कि जो पेस्ट है वो अच्छे से स्ट्रांग बन जाएगा। ओके, सो गाइस शायद आप लोगों को दिखाई दे रहा है, तो ऐसा ही कुछ मिक्स कर लेना पड़ेगा आप लोगों को। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से मिक्स करके आपको 30 मिनट तक रख देना पड़ेगा, और 30 मिनट बाद आपको कुछ इसी तरीके से प्रोपेलर का ऊपर जो ब्लेड, एक एक ब्लेड पे ऐसे ही पेस्ट कर देना पड़ेगा। ठीक है, नीचे की तरह से और ऊपर की तरह से। ओके, तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी कर लेना गाइस। ठीक, ओके, सो गाइस अभी जो प्रोपेलर दिखाई दे रहा है, प्रोपेलर अभी ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा है। वैसे भी पहले से प्रोपेलर अच्छा देखने में नहीं होगा, क्योंकि हर चीज़ को पहले से अच्छा नहीं लगता है, अच्छा किया जाता है बाद में। ठीक है, तो गाइस इसी तरीके से हमें कुछ टाइम रख देना पड़ेगा, क्योंकि ये अभी तक नरमी है, इसीलिए हमें इसका जो ब्लेड की साइज़ है यानी कि पेस्टिंग है, उसे हम अच्छे से नहीं कर सकते। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आप लोगों को भी कर देना पड़ेगा। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से जैसे कि मैं उंगलियों से मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ, ताकि जो इसका जो ब्लेड है वो और भी अच्छी से जाए। जैसा कि यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा ही थी एमसील, इसीलिए मुझे कम लेना पड़ेगा। ओके, तो पहला जैसा इस प्रोपेलर का साइज पहले जैसा थी वैसा ही कर देना पड़ेगा आप लोगों को। तो कुछ इसी तरीके से प्रोपेलर बनता है। ठीक है, तो प्रोपेलर जो होगा वो काफ़ी अच्छी और काफ़ी पावरफुल है, और इस प्रोपेलर दिक्कत नहीं है। ठीक है, बनाने में ओके, और ये जो प्रोपेलर होता है वो बनाने में भी उतना पैसा नहीं जाएगा, और उतना ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा, और आपको आसान तरीके से प्रोपेलर बन जाएगी। तो कुछ इसी तरीके से आपको प्रोपेलर को रख देना पड़ेगा, जैसे कि मैंने रखा ऐसा ही 34 मिनट तक रख। सो गाइस अभी हमें प्रोपेलर को स्ट्रॉन्ग होने के लिए थोड़ा टाइम तक वेट करना पड़ेगा। ओके, तो वेट करने के बाद जैसे कि प्रोपेलर आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, शायद प्रोपेलर का जो साइज़ है मैं थोड़ा सा वीडियो काट करके दिखा रहा हूँ। ठीक है, तो बाद में प्रोपेलर कुछ इसी तरीके से देखने में होगा। देखो गाइस, प्रोपेलर अभी जो है, प्रोपेलर का जो ब्लेड के एक एक साइज़ है वो देख लो, जो प्रोपेलर कितना प्रोफेशनल लग रहा है, और जो प्रोपेलर है ऐसा लग रहा है कि प्रोपेलर हम खरीद के ले आओ। ठीक है, तो कुछ इसी तरीके से आपको प्रोपेलर बनाना पड़ेगा। ओके, सिंपली और आसान प्रोपेलर भी आप बना सकते हैं, जैसा कि मैं एक डीसी मोटर ले रहा हूँ, और पेन से इसलिए किया कि बहुत सारा मोटर पे आप प्रोपेलर के साथ सेटअप नहीं कर सकते, इसीलिए तो हमने सोचा कि पेन से अगर सेप के काम किया जाए तो अच्छे से सेटअप हो जाएगा मोटर की पेन में। तो कुछ इसी तरीके से आपको स्ट्रॉन्ग करके लगा देना पड़ेगा। गाइस एक बात ध्यान रखना कि प्रोपेलर को पानी का अंदर ही चलाना और उसको ऊपर नहीं चलाना। ओके, तो कुछ इसी तरीके से आपको भी कर लेना पड़ेगा। और जैसे कि प्रोपेलर मेरे हाथ पे दिखाई दे रहा है, बहुत ही अच्छा लग रहा है काफ़ी, और ऐसा लग रहा है जो कि प्रोपेलर रे मैंने खरीद के ले आए। ठीक है, तो ऐसा ही लग रहा है बाइक करके जैसा दिखाई दे रहा है। सो गाइस अगर वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ एक लाइक कीजिए, क्योंकि आपके एक लाइक में हमें और वीडियो बनाने के लिए सपोर्ट करता है।